नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रतिका लूनिया और आप देख रहे हैं कैप्टन प्रतिका। बच्चे को ऑप्टिमिस्ट कैसे बनाएं? सबसे पहले ऑप्टिमिज्म क्या होता है और चने की झाड़ पे चढ़ाना क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क समझ लीजिए। ऑप्टिमिज्म मतलब ये होता है, बच्चा ये सोचिए कि कोई भी एक सिचुएशन का बेस्ट आउटकम क्या हो सकता है, बढ़िया इससे क्या निकल सकता है। और चने के झाड़ पे चढ़ाना होता है कि मुझसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, इसमें तो मैं बेस्ट हूँ, नथिंग एंड नो वन कैन बीट मी। हमें सेकंड वाले पे काम नहीं करना, हमें फर्स्ट वाले पे काम करना है। तो मैं इस वीडियो को चार स्टेप्स में बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये बता दूँ कि एक राइट एज क्या होता है बच्चे को ऑप्टिमिज्म के बारे में समझाने में, या फिर अनकॉन्शियसली या फिर इनडायरेक्टली उनको ऑप्टिमिज्म भरने में। सिर्फ बोलने से ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव रहो बोलने से नहीं होता, आपको उसे सबकॉन्शियसली उसे समझाना होगा, उसके दिमाग में भरना होगा ये चीज़। तो सही एज मेरे हिसाब से रहती है 3.5 साल के बाद में। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा इन चीज़ों को समझने लग जाता है, स्कूल भी जाने लग जाता है, प्ले स्कूल, तो थोड़ा कॉम्पिटिशन, कंपेरिजन खुद को करना एंड यू नो वो सारे फीलिंग्स आने शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज़ द राइट एज जहाँ से आप बेसिकली स्टार्ट कर सकते हो। टिल 4, 5, 6 वो तो फिर खैर ज़िंदगी भर चलते रहेगा, और 6, 7 ईयर्स के अगर आप इतने साल तक करते रहे तो वो आदत ही हो जाएगी उसकी कि पॉजिटिव रहे। स्टेप 1, सबसे पहले खुद पॉजिटिव बनो, तब बच्चे आपको देखकर बनेंगे। और अपने को कैसे पॉजिटिव रहना है, पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है उसको छोड़ो, हम अभी बच्चों से बात करते हैं, ठीक है, बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है कंपैरिजन की करते हैं। शर्मा जी के बेटे को देखो, वो इतना अच्छा पढ़ाई करता है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो स्विमिंग में अच्छा है, वो इसमें अच्छा है, उसमें अच्छा है, तुम अच्छे नहीं हो या तुम उनके जितने अच्छे नहीं हो। तो यहाँ से क्या है, नेगेटिविटी का बीज हम लोग बच्चे के अंदर बोते हैं। आज एक माँ बाप जो बोलता है ना, वो बच्चा बात कभी नहीं भूलता आज, और बाहर की दुनिया वाले कितने भी बोले एक पॉइंट के बाद भूल जाता है। आज अपनी ज़िंदगी में भी याद करो, अगर आपके माँ बाप ने आपको कुछ बोला है, आपके बारे में कमी है, तो वो आप आज तक नहीं भूले हो, पर अगर किसी और ने बोला है तो आधी बात शायद याद भी नहीं है हमें किसने कब क्या बोल दिया था, बट माँ बाप की बोली हुई बात हम नहीं भूलते जल्दी से, वो हमारे मन में घर कर जाती है। तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, बच्चे को कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा। अपने ऊपर लेकर देखो ना, अगर आप किसी घर के बहू हो और आपके बहुत सारी दिरानियाँ हैं, कजिन्स हैं, और आपको बार बार ये रिमाइंडर कराया जाता है या बार बार याद दिलाया जाता है कि औरों के बहुओं को देखो, वो क्या क्या नहीं करती, वो ऐसे करती है, वो वैसे करती है, घर को ऐसे रखती है, इतना सेवा करती है, या फिर ऑल दोज थिंग्स, हमको मतलब ये तो रोज़मर्रा का कहानी है, हर घर घर की कहानी है। तो अगर वो चीज़ आपको रिपीटेडली बोला जाए कि दूसरों की बहुएं ऐसे कर रही है और तुम ऐसे नहीं कर रही, तो क्या हमारा मन परिवर्तन होता है, क्या हमें सुन के अच्छा लगता है कि जब उनका तारीफ सुन रहे हैं कि उनकी जैसे बनो, उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो, नहीं ना। तो हमारे मन मन से क्या निकलता है, हमारे मन में निकलता है कि यार वो अलग है, मैं अलग हूँ, मेरी कुछ और खूबी है, उसका कुछ और खूबी है, आप क्यों हर टाइम कंपेयर करते रहते हो, दो इंसान एक जैसा नहीं होता। तो जब ये बात हम अपने लिए समझ सकते हैं, तो हमें बच्चों के लिए भी ये बात समझनी होगी कि हर बच्चा जो है पढ़ाई में बेस्ट नहीं हो सकता। क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 के 30 तो फर्स्ट नहीं आ सकते ना, एक ही फर्स्ट आएगा। हर बच्चा सारा वेजिटेबल्स खाने वाला नहीं बन सकता, कोई बच्चे होते हैं सारी सब्जियाँ खाते, कोई बच्चे होते हैं नहीं खाते, सिर्फ आलू खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ भिंडी खाएंगे। कंपेयर मत करो अपने हर चीज़ में, जब भी करने जाओ सोचो मेरे साथ यही चीज़ इस सिचुएशन में भी हो सकती है, तब मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। हमें ये नहीं बोल रही हूँ सिर्फ आलू और भिंडी खाने दो, हमें नया नया तरीका को ढूंढना है कि कैसे मैं इसे और वेजिटेबल्स खाने के लिए प्रोत्साहन कर सकती हूँ। बट उसके लिए कंपेयर करना ज़रूरी नहीं है कि उसको देखो वो सब खा रहा है, तुम क्यों नहीं खाते, वो करना ज़रूरी नहीं है, वी हैव टू फाइंड सम अदर वे। इसी तरह से पॉजिटिविटी का जो है बीज बोया जाता है, शुरुआत यहीं से होती है। तो सबसे पहला स्टेप है कि पहले खुद पॉजिटिव बनो और बच्चे को दूसरे से किसी से भी कंपेयर मत करो। सेकेंड स्टेप, अपने वर्ड्स को है ना थोड़ा चेंज करो। वो कैसे, मतलब जो हम लोग इम्पॉसिबल वाला वर्ड्स यूज़ कर रहे थे ज़्यादा, उसको करके मे बी वाले वर्ड्स पे हमें आना है, ये तो हो ही नहीं सकता से ट्राई तो करके देखे वाले सिचुएशन को लेके आना है। इसके लिए फिर से मैं एक एग्जांपल यूज़ करूँगी। वन ऑफ माय सन, मेरा एक बेटा, स्कूल में कोई स्पीच था, कुछ किसी टॉपिक पे स्पीच था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, तो सारे बच्चों को उस पर कुछ लाइन्स बोलनी थी। एंड माई सन वॉज लाइक, मेरे से नहीं होगा मम्मी, हम नहीं बोल पाएगा, हम कभी नहीं बोल पाता है, हम हमेशा डांट खाता है, हम कभी भी अच्छा नहीं बोल पाता है। ही वॉज टोटली डीमोरलाइज एंड नेगेटिव कि आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। मैंने उससे पूरी तैयारी कराई, मैंने उससे इतने अच्छे से, इतना रिपीटेडली उसको वो
स्पीच याद कराए कि ये नींद में भी बोलेगा तो बोल देगा, ये मेरी तरफ से एफर्ट थी। बट जब ये एफर्ट मैं दे रही थी, मैंने उसे कभी नहीं बोला एक बार भी कि तुम क्लास में सबसे अच्छा बोलोगे। मैंने उससे ये ज़रूर बोला कि तुम बोल पाओगे, तुम्हें ऐसा लगता है कि हम बोल ही नहीं पाएगा, तुम बोल पाएगा, आई प्रॉमिस यू दैट। एंड यू नो माई किड्स नो दैट आई टेल देम रिपीटेडली कि मॉम डोंट, मतलब इतने बार इनको बोला हुआ है कि मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती, कि इनको विश्वास है। मतलब मैं उन बातों के लिए भी झूठ से होता ना, बच्चा ज़िद कर रहा है तुम घर चलो, घर चल के हम तुमको दे देगा वो खिलौने के लिए किसी चीज़ के लिए, तो मैं उस टाइप की बात भी नहीं होती। अगर मैं नहीं दे सकती घर जाके तो आई डोंट से कि मैं घर जाके दे दूँगी। तो उनको पता है कि मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती, मतलब इफ़ मॉम इज सेइंग दिस इट इज़ राइट। कितने बार होता है कोई लोग उसे कुछ बोलते हैं, कहीं पे गए कुछ बोल रहे हैं, तो माई किड्स लुक एट माई आईज, वो मेरी आंखों में देखते हैं और मेरे को ऐसे पूछते हैं, मतलब इज़ ही सेइंग द ट्रूथ, ये जो सामने वाला मेरे को बोल रहा है कि ये सच बात है। एंड ओनली इफ आई नॉड दे विल लिसन, मतलब ये नहीं उनकी बात नहीं सुनेगा बट उनकी बात पे विश्वास करेगा, अगर मैं नॉड कर दी तब वो विश्वास कर लेगा। तो ये बहुत टाइम लगा मुझे इस चीज़ को बिल्ड करने में, इस विश्वास को कायम रखने में कि मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती। सो मैंने ये वर्ड को रिपीटेडली उसको समझाया कि मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती ना, हम बोल रहे हैं तुम बोल पाएगा, डेफिनेटली बोल पाएगा। तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम शायद बोल पाएगा। एंड देन वो घर आया उस दिन एंड ही वॉज लाइक सो हैप्पी, मम्मी हम बोल दिया हम बोल दिया, पर सबको स्टार मिला एंड ऑल दैट, मेरे को वो सब नहीं मिला। ठीक है, इट्स फाइन। अरे यार तुम बोल भी नहीं पा रहे थे, मैं उसको नहीं बोली, मैं आपको बोल रही हूँ कि वो बोल भी नहीं पा रहा था, उसे लग रहा था वो ही विल नॉट बी एबल टू से, और उसने पूरा स्पीच बोल दिया। ठीक है उसको नहीं, मेरे को पता है आई थिंक 50-60% लोग जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो उससे काफ़ी बेहतर बोले होंगे, इसलिए उसको स्टार वार जो भी है वो नहीं मिला। बट दैट डजेंट मैटर्स, मैंने क्या बोला, हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, तो मुझे उसकी कमी पे पॉइंट आउट नहीं करना है। अब उसने कोशिश की और उसने कोई चीज़ पॉजिटिवली किया, तो मुझे फोकस करना है उस पर, नहीं कि उसे स्टार नहीं मिला बाकी बच्चों को क्यों मिला। मुझे इस पर फोकस करना है कि इसने एक स्टेप ऊपर चढ़ा, पहले ये क्लास में बोल नहीं पा रहा था, अब ये बोलने भी लगा है। हो सकता है इन फ्यूचर स्टार भी मिले, नहीं भी मिले तो इट विल नॉट मैटर टू मी। हमें ये समझना होगा कि हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, हर बच्चा सारी सब्जियां नहीं खा सकता, हर बच्चा लंबा सबसे लंबा नहीं हो सकता, हर बच्चा सबसे स्पोर्ट्स में बेस्ट नहीं हो सकता, हर बच्चा सारे रेस में फर्स्ट नहीं आ सकता। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की अलग खूबी है। कितने लोगों को तो इतने से भी प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा शाय है, बोलता नहीं है। उनको मैं बोलूँगी कि शाय होना कोई कमी नहीं है, ये एक नेचर है और ये धीरे धीरे ओपन होगा, आप फोर्स नहीं कर सकते। और अगर आप बार बार पॉइंट आउट करोगे लोगों के सामने कि ये तो किसी के सामने बात नहीं करता, कोई गेस्ट आ जाए रूम में जाके छुप जाता है, बात तक नहीं करता किसी के सामने, इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, हम ये सब बोल के ना उसको डीमोरलाइज करें, उसको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा ये सब बोल के। बच्चा शाय हो तो क्या करना चाहिए, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो यहाँ लिंक है, आप देख लेना वीडियो, उसके बारे में अभी और बात नहीं करूँगी। अभी हम लोग जाते हैं फर्स्ट स्टेप, हम लोग को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप था कि हमें खुद को पॉजिटिव होना होगा, सेकंड स्टेप है चेंज द वर्ड्स, अपने वर्ड्स को चेंज करो, इम्पॉसिबल से मे बी वाले वर्ड्स में लाओ। जब वो बच्चा बोल रहा है कि ये इम्पॉसिबल है मैं नहीं कर सकता, तो उसको आप कैसे यकीन दिला सकते हो कि उसको एक बार ट्राई करना चाहिए, वो शायद कर पाएगा। थर्ड स्टेप, इट्स ओके टू फेल, अगर तुम हार गए तो इट्स ओके। इसकी बात भी मैंने एक वीडियो में की थी जहाँ पे मैंने समझाया था कि मेरे बच्चों को मैंने एक सेंटेंस सिखाया है कि कोई बात नहीं, और मैं ये रिपीटेडली उनको बोलती हूँ और वो भी मुझे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ड्राइंग कर रहे हैं कलर निकल गया कोई बात नहीं, मुझे नहीं फिनिश हो पाया कोई बात नहीं, आज मैंने टिफ़िन नहीं ख़त्म कर पाया मम्मा कोई बात नहीं, एंड ऑल दिस थिंग्स, कोई बात नहीं मतलब कि इट्स ओके। तो बच्चे को ये बताना ज़रूरी है कि फेलियर इज़ एन ऑप्शन, क्योंकि बहुत जन ये बच्चे को दिमाग में भरते हैं कि फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन, ऐसा नहीं है, फेलियर इज़ एन ऑप्शन एंड इट इज़ ओके टू फेल, इट्स फाइन टू फेल। हारना कोई छोटी बात नहीं है, ऊंची बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है, हारने से हम कुछ सीख सकते हैं, ये चीज़ समझाना है बच्चों को। फोर्थ और लास्ट स्टेप, कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होता,
अगर आप आज से शुरुआत करेंगे बच्चे में पॉजिटिविटी का, ऑप्टिमिज्म का बीज बोना, तो थोड़ा समय लगेगा उसको ऑप्टिमिज्म को अडेप्ट करने में। मैं आपको फिर से बोलूँगी कि छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो आप कर सकते हैं, छोटे छोटे गेम्स बच्चों के साथ खेल सकते हैं। जैसे कि मैंने वो पॉइंट बताया ना कि अगर वो बोला कि वो नहीं कर पाएगा और उसने करके दिखाया, तो उस एग्जाम्पल को आप हर बार यूज़ करो जब वो बोले कि मैं नहीं कर पाता हूँ। ऐसे हम लोग एक और चीज़ करते हैं, हम लोग के बच्चों, मेरे और बच्चों का गेम है ये, व्हाट वी डू इज, जब भी हमें कोई बात बहुत ज़्यादा परेशान करती है, या फिर एग्जाम्पल बताती हूँ, हम लोग घूमने गए हुए थे और एस्केलेटर से मुझे थोड़ा डर लगता है, तो जब मैं एस्केलेटर पे चढ़ती हूँ, मैं जानबूझ के स्टेप्स ले रही थी कि मुझे एस्केलेटर से डर लगता है, बच्चे, हस्बैंड, सब लोग, फैमिली मेंबर सब एस्केलेटर से जा रहे थे, एंड देन दर्शन केम टू मी एंड लाइक, मम्मी चलो चलो चलो, कुछ नहीं होगा, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, चलो, ही इज़ 5 years old एंड इज़ लाइक चलो, एंड आई लाइक ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत डर लगता है, बट थोड़ा डर लगता है, आई प्रेफर नॉट टू गो इन एस्केलेटर्स। हम लोग घूमने गए थे फॉर अ वीक, एंड वहाँ पर जितने बाहर एस्केलेटर्स आया, ही टुक माई हैंड्स, वो मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को बोला कि मम्मा यहाँ से निकालो और उसको फेंक दो। ये मैंने उससे पहले सिखाया हुआ है, हमने एक दूसरे को कोई भी बात, जैसे तबीयत खराब होती है तो बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ से टानो टानो, उस बात को टानो, ऐसे टानो और यहाँ से निकालो और फेंको फेंको, फेंक दो, फेंक दिया, अब इसके बारे में मत सोचना, ठीक है। हम लोग ऐसे एक दूसरे को बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें बातों के लिए, ताकि नेगेटिविटी ना रहे। ही सैट विथ मी और वो मेरे को बोला, मम्मा निकालो, आपको डर नहीं लगता है, यहाँ से निकालो निकालो निकालो, फेंक दो, आप फेंक दिए, अब आपको डर नहीं लगता है, आप मेरा हाथ पकड़ के जाएगा जितने बार भी जा रहा है। और हमने जितने बार भी एस्केलेटर में चढ़ा, उसने हर बार मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे एस्केलेटर पर चढ़ाया। कई बार होता है ना, कोई चीज़ से आपको डर भी लगती है तो आप बच्चे की खुशी के लिए वो चीज़ करते हो, तो वही चीज़ मैंने भी की। एंड सच बोलो तो काफ़ी हद तक मेरा डर जा चुका है एस्केलेटर्स का, अभी भी बच्चों के साथ जाने में थोड़ा डर लगता है, अकेले फिर भी चढ़ जाऊँ, बट दर्शन ने जो ऑप्टिमिज्म दिखाया है मेरे तरफ कि यू कैन डू दिस मम्मा, डोंट से दैट आई कांट डू इट, सो मतलब वो खुद भी अपने लिए भी ऐसा ही सोचेगा ना, यही मेरा मकसद है। सी, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर ऑफ माई किड्स, मुझे नहीं पता मेरे दोनों बेटे जो हैं, ट्विंस हैं, वो कैसे इंसान बनेंगे फ्यूचर में, बट मुझे, मेरी कोशिश क्या रहेगी, वो है कि अपनी बेस्ट से बेस्ट सुझाव उनको दूँ, ऐसे छोटे छोटे तरीके उनको बताऊँ कि तुम ऐसे किया करो या फिर ऐसे सोचो, ताकि नेगेटिविटी को जितना हो सके दूर रखा जा सके। अभी भी मेरा एक बेटा थोड़ा नेगेटिव है, बट मुझे लगता है टाइम के साथ वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप्स है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।